Hello everyone, Ashutosh Prathi has this side and we have started our न्यू पॉडकास्ट सीरीज दैट इज पॉलिश योर नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स। सुबह 11 बजे आपको एक एपिसोड मिलेगा एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने इस पूरे पॉडकास्ट सीरीज को तरीके से सुन लिया, समझ लिया, आपके नेटवर्क मार्केटिंग करने की जो स्किल्स है ना, जो 80% मैटर करती है हमारी स्किल्स, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दो पहिए से चलती है। दो पहिए नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी गाड़ी है जिसको हम दो पहिए से चलाते हैं। पहला पहिया है हमारा नॉलेज, दूसरा पहिया है स्किल्स। नॉलेज सिर्फ 20% इंपॉर्टेंट है। नॉलेज के ऊपर बहुत सारे लोग फोकस करते हैं कि नॉलेज लेनी चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, कंपनी के हर प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें तरीके से समझाना आना चाहिए। बट नॉलेज सिर्फ 20% मैटर करता है, क्योंकि नॉलेज तो हर इंसान ले लेता है ना। इंटरनेट पे नॉलेज का पूरा सागर है, ट्रेनिंग्स के अंदर बहुत सारे ट्रेनिंग्स लगाते हैं, राइट। बट नॉलेज सिर्फ 20% मैटर करता है, 80% जो मैटर करता है वो मैटर करती है आपके स्किल्स, कि आप किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को समझा पाते हो, ठीक है। और आपके स्किल्स कितनी ज्यादा पॉलिश्ड है इस पर डिपेंड करेगा कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। आप और मैं मिलके हमारी स्किल्स को पॉलिश करने वाले, हमारी कुल्हाड़ी के अंदर धार लगाने वाले, ताकि आप, अब्राहम लिंकन ने एक बात बोली थी कि अगर मुझे पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे का टाइम मिलेगा तो मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाऊंगा और 2 घंटे में सारे पेड़ काट दूंगा, ठीक है। लेकिन बाकी लोग क्या करते रहते हैं दुनिया में, बाकी ऑर्डिनरी लोग क्या करते हैं, 6 के 6 घंटे पेड़ काटने की कोशिश करेंगे। सो इस पॉडकास्ट से आपका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि आपके कुल्हाड़ी पे बहुत तेज धार लग जाएगी, आपकी स्किल्स आप बहुत तरीके से पॉलिश कर लोगे एंड 100% आपके आने वाले टाइम में जो भी आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हो अपने बिजनेस से, वो रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। ऑलराइट, सो पॉलिश योर नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज का ये सबसे पहला एपिसोड है और ये एपिसोड किसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, मतलब ये जो पूरी सीरीज है ये नेटवर्क मार्केटिंग के थोड़े से एक, इससे पहले हम एक पॉडकास्ट सीरीज लाए थे जिसके अंदर हमने नेटवर्क मार्केटिंग बिगिनर्स के लिए था वो सीरीज, उसके अंदर मैंने फंडामेंटल्स, फाउंडेशन और बेसिक्स नेटवर्क मार्केटिंग की वो मैंने क्लियर किया था। ये जो हमारा पॉलिश योर नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स वाला पॉडकास्ट है ये बेसिकली काम करने वाला है आपके स्किल्स के ऊपर। इंटरमीडिएट लेवल पे जो लोग आ गए जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छी समझ है, ठीक है, बेसिक्स उनके थोड़े बहुत क्लियर हैं और वो चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को थोड़े एडवांस लेवल पे समझ पाएं और उनकी स्किल्स पॉलिश कर पाएं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एपिसोड एंड मेरा आप लोगों से एक सवाल है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इस पूरे सीरीज को आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करोगे तो आपके साथ साथ आपकी पूरी टीम का बिजनेस बढ़ेगा। और आपको पता है ये बात कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द ओनली बिजनेस जहां पे पॉलिटिक्स नहीं चलता है, जहां पे आपकी टीम की बढ़ोतरी में, आपके लोगों की बढ़ोतरी में आपकी खुद की ग्रोथ है। आपकी पूरी की पूरी ग्रोथ सिर्फ इस बात पे छुपी है कि आपकी टीम में कितने लोग कितना पैसा कमा रहे हैं और आप उनकी कितनी हेल्प कर रहे हो। सो शेयर द पॉडकास्ट विद योर टीम एज वेल एंड लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एपिसोड। सो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, जितने भी नए लोग हैं, थोड़ी बहुत नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं इस पहले एपिसोड के अंदर हम लोग, तो जितने भी लोग हमारे बीच में नए हैं, आप सबसे मेरा सवाल है कि क्या आपको कभी बेचैनी फील होती है लाइफ में काम करते टाइम पे, ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हो, भले ही आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, भले ही आप कॉर्पोरेट के अंदर हो, भले ही आप एक दुकानदार हो, भले ही आप अपनी एक छोटे से बिजनेस को या बड़े बिजनेस को रन करते हो, क्या आपको लाइफ में कभी, चाहे आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, ठीक है, क्या आपको लाइफ में बेचैनी फील होती है, अनसेटिस्फैक्शन फील होती है, अनसेटिस्फैक्शन की यार जो भी मैं कर रहा हूं उससे जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी जब मैंने इस काम को शुरू किया था, तो जो मैंने सोचा था वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। अगर ये आप फील करते हो, क्या आपको कभी ऐसा कुछ फील हुआ है कि यार कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ इससे बेहतर हो सकता है, जो भी मैं कर रहा हूं और जो मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं उससे कुछ बेहतर हो, कोई बढ़िया तरीका हो सकता है जिससे मेरे जो डिजायर्स थे काम को लेके या आउटकम को लेके या पैसों को लेके, जो सेटिस्फैक्शन मुझे चाहिए थी वो पाने का कोई बेहतर रास्ता जरूर हो सकता है। क्या कभी ऐसा फील हुआ है? अगर फील हुआ है बहुत बढ़िया बात है, अगर फील नहीं हुआ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देयर इज अ वे, 100% एक रास्ता है, बहुत सही रास्ता है, लेकिन वो रास्ता कभी भी हमें स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कोचिंग सेंटर के अंदर, मतलब कहीं भी हमें एजुकेट नहीं किया गया उस रास्ते के बारे में, कहीं नहीं बताया गया अभी तक, ठीक है। अब जाके धीरे धीरे कॉन्शियसनेस आ रही है मार्केट के अंदर, अब जाके उस रास्ते के बारे में एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी है वो उस पढ़ा रही हैं उस रास्ते को, बट वो रास्ता क्या है एक बार समझते हैं इस बात को। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत बार सर्वे क्रिएट किए और लोगों से ये पूछा कि आप हमें बताओ कि एक जो परफेक्ट प्रोफेशन हो सकता है, कोई भी परफेक्ट प्रोफेशन, उसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए और क्या क्या चीजें होनी चाहिए,
बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने इस तरह के सर्वे क्रिएट कंडक्ट किए और लोगों से पूछा कि जो परफेक्ट प्रोफेशन होगा, जिसको आप मानोगे कि यार ये आइडियल प्रोफेशन है, ये परफेक्ट प्रोफेशन है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने बोला क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सुनना आप, बहुत सारे लोगों ने बोला और आप भी फील करोगे, कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओगे। सो बहुत सारे लोगों ने बोला कि बॉस नहीं होना चाहिए जी, बॉस नहीं होना चाहिए, बॉस जिस तरह से व्यवहार करता है लोगों के साथ, जिस तरह से कई बार बदतमीजी करता है लोगों के साथ, जिस तरह से इनह्यूमन ट्रीट करता है टारगेट्स के पूरा ना होने पे, जिस तरह से वो झड़प करता है या डांटता है, बॉस ना हो तो परफेक्ट प्रोफेशन किया जा सकता है, परफेक्ट प्रोफेशन बनाया जा सकता है। सो नो बॉस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ यू कैन से परफेक्ट प्रोफेशन। उसके साथ लंबा लंबा जो ट्रैवल करना पड़ता है ना, अपने ऑफिस तक जाने के लिए बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, फिर वापस आने के लिए लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, तो ये अगर ना हो तो परफेक्ट प्रोफेशन क्रिएट किया जा सकता है। उसके साथ साथ बोला कि अलार्म क्लॉक पे उठे ना बंदा, मतलब इंसान अपनी मर्जी से उठे, लोगों में होता है ना कि अलार्म क्लॉक सेट करेगा, रात को 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना पड़ेगा। तो एक परफेक्ट प्रोफेशन एक इस तरह का प्रोफेशन हो जहां पे इंसान बाउंडेड ना हो कि मुझे इस टाइम पे उठना ही उठना है, ठीक है, वो अपने हिसाब से अपनी पूरी नींद करने के पूरी करने के बाद उठे और उसके बाद वो अपने काम पे जाए या काम करे। पॉलिटिक्स ना हो, अगला एट्रीब्यूट है कि पॉलिटिक्स ना हो। आपको बताऊंगा इसी एपिसोड के अंदर, मैं बताऊंगा कि जितने बड़े कॉर्पोरेट और उन कॉर्पोरेट के अंदर जितने बड़े सक्सेसफुल लोग, जितने बड़े अचीवर्स, उतने बड़े पॉलिटिशियंस, ये आपको इसी एपिसोड के अंदर बताने वाला हूं मैं। सो अगर पॉलिटिक्स ना हो तो बहुत बढ़िया प्रोफेशन क्रिएट किया जा सकता है। उसके साथ साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े लाइफ में, लाइफ में इंसान को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े हर छोटी छोटी चीज के ऊपर, अपने इच्छाओं को मार के कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी जीनी ना पड़े, दैट कुड बी अ परफेक्ट प्रोफेशन। उसके साथ साथ बोला गया कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एज के बेसिस के ऊपर, सेक्स के बेसिस के ऊपर, ठीक है, इंसान का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, इंसान किस मतलब कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी, इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन अगर ना किया जाए दैट कुड बी अ परफेक्ट प्रोफेशन, राइट। तो ये चीजें कुछ बताई गई कि बॉस ना हो, ट्रैवलिंग ना करना पड़े, अलार्म क्लॉक से उठना ना पड़े, पॉलिटिक्स ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, इस तरह की चीजें बता के बताया गया कि इस तरह से एक परफेक्ट प्रोफेशन, अगर ये सारी चीजें ना रहें तो परफेक्ट प्रोफेशन क्रिएट किया जा सकता है। अब थोड़ा सा पॉजिटिव जब सोचा लोगों ने कि क्या क्या होना चाहिए एक परफेक्ट प्रोफेशन के अंदर, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट होना चाहिए, ग्रेट प्रोडक्ट होनी चाहिए या सर्विसेज बहुत बढ़िया होना चाहिए, राइट। उसके साथ साथ अनलिमिटेड इनकम का पोटेंशियल होना चाहिए, कुछ ऐसा जिसमें हम लिमिटलेस कमा पाए, ठीक है, अपनी मेहनत के बदौलत। जैसे होता है ना क्वेश्चन पेपर के अंदर मैक्सिमम मार्क्स 10 लिख दिया, तो उसके बाद बंदा चाहे 4 पेज लिखा है, चाहे 5 पेज लिखा है, चाहे 10 पेज लिखा है, चाहे पूरी जिंदगी का ज्ञान डाल दे उस 10 मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर, बट उसको मिलेंगे कितने मैक्सिमम मार्क्स, कितने मिलेंगे 10। That is what happens in most of the jobs and the businesses. कितना भी काम कर लो, जितना आना है maximum limit उतना ही आएगा, जितने पे आपको कंपनी ने खरीदा हुआ है, जो आपकी सैलरी है, जो आपका बेस पैकेज है, उतना ही आएगा, प्लस थोड़ा बहुत इंसेंटिव हो सकता है, बट आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो एक लिमिटेड इनकम वाले प्रोफेशन के अंदर। तो एक ऐसा परफेक्ट प्रोफेशन हो जिसमें अनलिमिटेड इनकम की पॉसिबिलिटी हो, उसके साथ साथ पैसिव इनकम जिसको हम बोलते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं रेसिडुअल इनकम, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी हो जिसमें हमें पैसिव इनकम मिल पाए, दैट कुड बी अ परफेक्ट प्रोफेशन, राइट। उसके साथ साथ ऐसे लोग हो जिन जो हमारे आसपास लोग हो ना, उनके साथ काम करके हमें मजा आए, ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में, उनके साथ वक्त गुजारने में कुछ सीखने को मिले, ठीक है, उनके साथ जैसे ही हमें मिले तो उनसे एक वाइब्रेशन हमें ऐसी मिले कि हमें मन करे कि यार जिंदगी में कुछ बेहतर करना है यार। ऐसा ना हो कि ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए हैं कि मुंह पे तो बहुत बढ़िया है पर पीठ पीछे, मतलब हमें उनसे बात करते फीलिंग आ जाती है कि इंसान मुझसे बहुत जलता है, राइट। तो इस तरह के लोगों के बीच में काम करने का ना हो, और ऐसे लोगों में काम करने का हो जिनके साथ हम अपने आप को इंजॉय कर पाए, अपने काम को इंजॉय कर पाए, फन कर पाए, ठीक है, और एक दूसरे को पसंद करें। तो ऐसे लोगों के साथ अगर घिरे हुए काम करने का मौका मिलता है, दैट कुड बी अ परफेक्ट प्रोफेशन। उसके साथ साथ टाइम की आजादी हो, बताया ना हमने कि अलार्म क्लॉक ना हो, जो टाइम की आजादी अगर होगी, इंसान अपनी मर्जी से जहां जाना चाहे जा पाए, जो करना चाहे वो कर पाए, टाइम फ्रीडम हो एक तरीके से, राइट। उसके साथ साथ हम सोसाइटी के अंदर कोई इंपैक्ट क्रिएट कर पाए, ठीक है, सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा काम कर पाए जिससे लोगों का फायदा हो, दैट कुड बी अ परफेक्ट प्रोफेशन, राइट। उसके लिए बहुत बहुत परफेक्ट प्रोफेशन वाले एट्रीब्यूट्स ये दुनिया में जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने सर्वे कंडक्ट किए, तो ये लोगों ने निकाल के दिया कि ऐसी चीजें अगर होती हैं तो एक परफेक्ट, आप खुद कोरिलेट कर सकते हो, अगर आप कोरिलेट कर पाओ तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना, अगर आप कोरिलेट कर पाओ कि इस तरह की चीजें अगर किसी प्रोफेशन के अंदर होती हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है,
राइट तो लोगों ने बोला कि हम इंपैक्ट क्रिएट करना चाहिए सोसाइटी के अंदर, पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए, इंसान की अपनी ग्रोथ होनी चाहिए, इंसेंटिव्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है, टूर्स एंड ट्रैवल्स होना चाहिए, पूरी दुनिया घूमने का मौका, क्योंकि पता है आपको 90% लोग दुनिया के अंदर अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं सिर्फ 2000 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर, सिर्फ 2000 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। बट भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया बना के दी है, किस लिए बना के दी है? और हम एक इकलौते ऐसे प्रजाति हैं जो जहां जाना चाहे वहां जा सकता है, ठीक है। इतने करोड़ों, आपको पता है करोड़ों प्रजातियां, मैमल्स की जो प्रजातियां होती हैं, ठीक है, मैमल्स जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे इंसान हो गए और सारे जानवर हो गए, तो मैमल्स के अंदर सिंपल एक ही प्रजाति है ह्यूमन बींग, जो आप और हम हैं, उन्हीं को यह आजादी मिली हुई है कि वो जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं, जहां घूमना चाहे वहां घूम सकते हैं, बट स्टिल एक पेड़ की तरह जिंदगी बिताने का क्या फायदा जो कभी चल ही नहीं सकता, राइट? तो एक ऐसा हमें प्रोफेशन मिले जहां पे हम दुनिया घूम पाए, राइट, दुनिया फ्री में घूम पाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसके साथ साथ बोला गया कि रिसेशन प्रूफ हो, ठीक है, मार्केट ऊपर चढ़े या नीचे गिरे उससे बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े उस धंधे के अंदर या उस एम्प्लॉयमेंट के अंदर या उस प्रोफेशन के अंदर, तो वो परफेक्ट प्रोफेशन की कैटेगरी में जरूर आ सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई वहां पे कि एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हो, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हो। एक्चुअल का मतलब क्या कि जितना हम एफर्ट मारें उस हिसाब से हमें पैसा मिले, ऐसा ना हो कि मार्केट की वजह से पैसा मिल रहा है, सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क है, या समझ रहे हो ना आप, एक्चुअल वर्चुअल इन्वेस्टमेंट मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि वर्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कि जहां पे आपने पैसे लगा दिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपने पैसे लगा दिए या शेयर मार्केट के अंदर आपने पैसे लगा दिए, स्टॉक मार्केट के अंदर आपने पैसे लगा दिए, वहां पे म्यूचुअल फंड के एडवर्टीजमेंट में बोलते हैं कि सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, और इतना तेज बोलेंगे कि आप समझ ही नहीं पाओगे। दैट इज वॉट कि आपने अपना पैसा लगा दिया लेकिन मार्केट चढ़ेगा अपनी मर्जी से, गिरेगा अपनी मर्जी से, आपका उसके ऊपर कोई जोर नहीं है। बट जितने ऐसा कोई प्रोफेशन हो जहां पे बॉस इतना ज्यादा इफेक्ट ना डाल पाए आपकी इनकम के ऊपर, ठीक है, मार्केट इतना ज्यादा इफेक्ट ना डाल पाए अपने आपकी इनकम के ऊपर, सिर्फ आप ही आपकी इनकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अपनी इनकम के लिए, एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, राइट। इसके साथ साथ रिस्क कम हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई, बहुत सारे लोगों ने ऐसा निकाल के दिया और इस तरह से एक परफेक्ट प्रोफेशन बनाया गया। बट नाउ अब हम ढूंढेंगे इसी पॉडकास्ट के अंदर, इसी एपिसोड के अंदर, कि क्या कोई ऐसा प्रोफेशन है जो ये सारे एट्रीब्यूट्स रखता हो। आपको पता है दुनिया में, मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो, आपको ना आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। आई बटन मतलब टॉप राइट कॉर्नर, आपके स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन पे एक लिंक आएगा अभी। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हो, आप समझ जाओगे कि दुनिया में सिर्फ चार कैटेगरी है काम करने की, प्रोफेशन सिर्फ चार मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। अभी इस एपिसोड के अंदर मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताता हूं, चार के अलावा भी मैं कुछ कैटेगरीज बताता हूं जो इन्हीं चार कैटेगरी से निकली हुई है। और इंसान कहीं ना कहीं इतने ही काम में उलझा हुआ है, कोई भी इंसान अगर किसी भी प्रोफेशन के अंदर है तो इन पांच प्रोफेशंस में से जो मैं अभी आपको बताऊंगा इनमें से किसी एक के अंदर है, राइट। लेकिन एक तरीका और है जो हमें समझना पड़ेगा कि दैट कुड बी बेटर, राइट। तो पहला तरीका क्या है, मैनुअल वर्कर। मैनुअल वर्कर मतलब जो लोग अपना मैनुअली अपना एफर्ट डाल के, अपना हाथ पैर चला के मैनुअल काम करके पैसा कमाए, उनको बोला जाता है मैनुअल वर्कर की कैटेगरी के अंदर। लेकिन उनकी सिंपल सी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जितना काम करेंगे उतना उनको पैसा मिलेगा। वेरी सिंपल, जितना उन्होंने काम किया उतना उनको पैसा मिलेगा। कोई किसी चीज की सफाई कर रहा है, या कोई किसी चीज को बिल्ड कर रहा है, किसी बिल्डिंग को बिल्ड कर रहा है, या कोई किसी चीज को बना रहा है, तो इसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन जरूर मिलती है। अगर काम बहुत तगड़े तरीके से हम कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ मैंने इस काम को बहुत तगड़े तरीके से कंप्लीट किया। बट जितना काम करेंगे उतना ही पैसा आएगा, दैट इज मैनुअल लेबर। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैनेजरियल वर्कर। मैनेजर लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनको मैनेजरियल वर्कर कहते हैं। इसको एक तरीके से आप समझ सकते हो कि हर वो इंसान जिसको किसी कंपनी ने इंप्लॉय किया एक ऐसा काम करने के लिए जिसमें मैनुअल एफर्ट ना लगे, मतलब हाथ पैर चलाना ना पड़े, दिमाग चलाना पड़े, मैनेजरियल काम करना पड़े या एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना पड़े, समझ रहे हो? तो दैट इज वॉट मैनेजरियल वर्कर इज। बट इसके अंदर आपको पता है कॉर्पोरेट के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग और दूसरे होते हैं शांत शांत छुपे छुपे अपने काम से मतलब रखने वाले लोग, ठीक है। जिस टाइम कोई भी इंसान ये डिसाइड करता है कि मैं टॉप मोस्ट पोजिशन पे जाना चाहता हूँ, कॉर्पोरेट के अंदर एक टॉप मोस्ट पोजिशन पे अपने आप को पहुंचाना चाहता हूँ, उस टाइम से वो बहुत ज्यादा एनर्जी शो करने लग जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने लग जाता है, बहुत ज्यादा कनेक्शंस डेवलप करने लग जाता है ऊपर के लोगों के साथ। और इससे होता क्या है कि उसके बॉस को खतरा फील होता है कि ये बंदा मेरी जगह ले सकता है, ठीक है। आप कोरिलेट कर पाओगे, अगर आप कॉर्पोरेट के अंदर हो तो आप 100% कोरिलेट कर पाओगे मेरी बात से।
बॉस को ये फील होता है कि ये मेरी जगह ले सकता है, इसलिए बॉस थ्रेटन फील करता है और उसके ऊपर और प्रेशर डालना शुरू करता है। और बाकी जितने भी कोवर्कर होते हैं, उसके साथ के जो लोग होते हैं, उसके कलीग्स जो होते हैं, वो भी धीरे धीरे जलना शुरू करते हैं कि ये इंसान को ज्यादा तेज चलने की कोशिश नहीं कर रहा, ये हमें आउटबीट कर देगा, ये हमारी प्रमोशन रुकवा देगा, ये कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है। और उसके बाद वहां पर शुरू होती है उसके खिलाफ षड्यंत्र या साजिश, जिसको आप बोल सकते हो, कि पीछे पीछे उसके बहुत कुछ चलना शुरू होता है। तो अगर उस इंसान को सच में ही पोजीशंस चाहिए, सच में हाइप चाहिए, सच में अल्ट्रा सक्सेसफुल बनना है, तो उसको एक ऐसा काम करना पड़ता है जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है, और दैट इज पॉलिटिक्स। ठीक है, उसको पॉलिटिशियन होना भी बहुत जरूरी है। मैंने आपको इस एपिसोड की शुरुआत में ही बताया कि अगर आपको मैनेजरियल वर्ल्ड के अंदर या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर अगर आपको एक बहुत बड़े पोजीशन पे पहुंचना है, तो आपको आपके काम के साथ साथ आपको एक चीज में बहुत महारत हासिल करनी है, दैट इज यू नो पॉलिटिक्स, राजनीतिक बनना पड़ता है इसके अंदर। और दूसरे वो लोग होते हैं कि भाई छुपे छुपे रहेंगे, शांत शांत रहेंगे, अपने काम से मतलब रखेंगे, ना किसी मीटिंग के अंदर अपना कुछ राय देंगे, ना कोई मतलब, वो सिर्फ इतना करते हैं कि भाई जो मुझे बोलोगे वो मैं कर दूंगा, ताकि हमारे बारे में पीठ पीछे कोई कुछ बुरा ना बोले, हमारी दाल रोटी चलती रहे, हम अपने बच्चों को पाल लें, समझ रहे हो। तो दो कैटेगरी के लोग होते हैं यहाँ पे। अगेन, क्या ये सच में हमारे परफेक्ट प्रोफेशन वाली कैटेगरी के अंदर आ सकता है क्या? चाहे मैनुअल वर्कर की बात कर लो आप, चाहे मैनेजेरियल वर्कर की बात कर लो आप, क्या ये दोनों प्रोफेशन में से कोई भी प्रोफेशन हमारे परफेक्ट प्रोफेशन वाली लिस्ट के अंदर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। पैसे कमा रहे हैं, दुनिया पैसे कमा रही है, पर क्या ये उस परफेक्ट प्रोफेशन वाली कैटेगरी में आते हैं? नहीं आते। तीसरी कैटेगरी हम कह सकते हैं सेल्स। सेल्स एक बहुत बेहतरीन प्रोफेशन है। सेल्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको, मैं खुद जानता हूं ऐसे लोगों को, अगर सेल्स बढ़िया चल रहा है उनकी कंपनी के अंदर, बहुत ज्यादा बढ़िया टर्नओवर वो क्रिएट कर रहे हैं, बहुत बड़े प्रोफेशनल बन गए वो, उसके बाद एक ही टाइम ऐसा आता है जब वो सब कुछ कर लेंगे एक साथ, अपने बच्चों को बहुत बेहतरीन स्कूल के अंदर डाल देंगे, अपना बहुत बड़ा घर ले सकते हैं, बहुत बढ़िया गाड़ी मेंटेन कर सकते हैं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया कर लिया उन लोगों ने, बट अचानक से कुछ ऐसा होता है, अचानक से सच में कुछ ऐसा होता है, जैसे कोरोना टाइप कुछ आ गया, या गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, या कोई बहुत बेहतरीन उसका कस्टमर था जिसको उसने लूज कर दिया, या अचानक से रिसेशन आ गई इकोनॉमी के अंदर, कुछ भी अचानक हुआ कुछ, और जस्ट बिकॉज उसने अपने लाइफस्टाइल को उस हिसाब का डिजाइन कर लिया था कि अब उसको मेंटेन करना है उस लाइफस्टाइल को, उसकी गाड़ी की ईएमआई जा रही है, उसने घर लोन पे लिया होगा तो उसकी ईएमआई जा रही है, उसने अपना लाइफस्टाइल तो बहुत तगड़ा बना लिया, बट अब क्या सीन है कि अगर वो 40 घंटे दे रहा था हफ्ते के अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, तो अब 40 घंटे से काम नहीं बनने वाला, अब उसको 50 घंटे देना है, धीरे धीरे उसको 60 घंटे देना है, धीरे धीरे उसको 70 घंटे देना है एक हफ्ते का, ठीक है, पूरी मेहनत, पहले वो अगर 8 घंटे काम करता था तो फिर धीरे धीरे 10 घंटे काम कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है, 13 घंटे काम कर रहा है, 15 घंटे काम कर रहा है दिन का, मतलब उसने लाइफस्टाइल बना तो लिया बट वो इंजॉय नहीं कर सकता अपने लाइफस्टाइल को। क्या सेल्स प्रोफेशन आपके परफेक्ट करियर वाले लिस्ट के अंदर या परफेक्ट प्रोफेशन वाले लिस्ट के अंदर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। अगेन, सेल्स नहीं आ सकता। आप सब कुछ क्रिएट कर लोगे बट हम जिंदगी में उस चीज को इंजॉय नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज का फायदा क्या है? और सेल्स करियर का एक सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? कितना भी कर लो, ठीक है, आज बहुत बढ़िया कर लो, कल बहुत बढ़िया कर लो, लेकिन हर दिन जब शुरुआत होगी तो जीरो से शुरुआत होगी। जितना भी बढ़िया आपने सेल्स क्रिएट किया हुआ है, आप अगले दिन शुरुआत करते हो, आप जीरो से शुरुआत करते हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। उसके अलावा चौथा जो कैटेगरी है, चौथा कैटेगरी है, ट्रेडिशनल बिजनेस की शुरुआत करो। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस की शुरुआत करने में अगेन क्या दिक्कत है? आप अपनी पूरी जिंदगी का जितना भी बचा खुचा पैसा है वो सारा का सारा आप इकट्ठा करते हो, आप अपने दोस्तों से थोड़ा बहुत उधार लेते हो, आप अपनी फैमिली से थोड़ा बहुत उधार लेते हो, उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है, अगले स्टेप पे आप हो सकता है बैंक लोन्स लेते हो, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आप सब कुछ खुद संभालते हैं। ज्यादातर लोगों की जो रियलिटी है ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, सब कुछ खुद संभालना है, कस्टमर के साथ नेगोशिएशन खुद करना है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए अकाउंटेंट खुद बनना है, ठीक है, मतलब बही खाता खुद संभालना है, आपको अगर लीगल मैटर्स हैं तो लीगल मैटर्स में डॉक्यूमेंटेशन कराने के लिए वो भी खुद संभालना है। मान के चलते हैं आप सेल्स में अच्छे थे बट सेल्स को छोड़ के आप दुनिया भर की चीजें कर रहे हो, ठीक है, आप पीछे से प्रोडक्शन संभाल रहे हो, ठीक है, माल आ कहां से रहा है वो भी आप संभाल, मतलब आप वो इंसान बन जाते हैं जो सबसे पहले सुबह आता है और सबसे बाद में वो जाता है, मतलब दुकान खोलता भी खुद है जस्ट बिकॉज उसको बहुत केयर होती है, उसकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है ना यार, लाखों करोड़ों रुपए वो लगा देता है, तो सबसे पहले आने वाला भी वो है और सबसे बाद में जाने वाला भी वो है, ठीक है, पैसा उसके पास आ रहा है बट आप रिलेट कर पाओगे, अगर आपकी फैमिली में कोई बिजनेस के अंदर है तो आप रिलेट कर पाओगे मेरी इस बात से कि जितने भी वर्कर्स हैं उसके पास उन सबको पेमेंट पहले जाएगी, चाहे लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट हुआ, सबको पेमेंट पहले जाएगी, लास्ट में उस ओनर के पास जो बचा खुचा होता है, चाहे वो 10 लाख बच जाए चाहे वो 10,000 भी ना बचे, लास्ट में वो अपने घर पे लेके जाएगा और अपने, और टाइम उसका बहुत लगता है,
टाइम उसका बहुत लगता है, मतलब जिंदगी में उसको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती। आपके कॉन्टैक्ट के अंदर अगर कोई इंसान होंगे ना बिजनेस के अंदर, तो आप देख पाओगे, आप बिलीव कर पाओगे ये बात को कि इंसान क्या कर रहा है, सबकी टिकट करा देगा पूरी, जहां जाना है आप लोग जाओ, बट अपनी खुद की टिकट नहीं कराएगा। अपनी खुद का उसका दिमाग माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि मैं अगर कहीं पे चला गया तो मेरे दिन का इतने रुपए का नुकसान हो जाएगा, मेरी दुकान अगर बंद रहेगी तो मैं फिर क्या, मेरी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है यार। और वो इंसान फिर क्या ये बिजनेस, क्या ये ट्रेडिशनल बिजनेस परफेक्ट प्रोफेशन वाले लिस्ट के अंदर आप ऐड कर सकते हो? आप नहीं कर सकते, राइट? तो आगे चलते हैं, आगे मैं बताता हूं। अचानक से मुझे याद आया, आप लोगों को एक नोटिफाई करना चाह रहा हूं मैं। हमारा 18th ऑफ दिसंबर को नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी लोग हैं जो मुझे अभी सुन रहे हैं, 18th ऑफ दिसंबर को मैं एक सेशन, स्पेशल सेशन कंडक्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करते हो आप उसका एक तक जगह पे एक सॉल्यूशन क्रिएट करूं, और मैंने आपके लिए एक परफेक्ट एग्जैक्ट सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। 18th ऑफ दिसंबर को लाइव मैं सब लोगों के साथ ये शेयर करने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, अगेन मैं आपको आई बटन पे एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, राइट साइड में टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन पे एक वीडियो का लिंक आएगा। उस वीडियो को देखोगे थोड़ी डिटेल समझ आ जाएगी आपको, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और जो वीडियो अभी देख रहे हो आप, जो पॉडकास्ट अभी सुन रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको रजिस्टर करने का लिंक मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप रजिस्टर कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी 17 तारीख तक, और 18th को आप लाइव उस पूरे सेशन को ले सकते हो, आपके सारे प्रॉब्लम का सलूशन वहां पे मिल जाएगा। सो इस वीडियो के खत्म होने के बाद, इस पॉडकास्ट के खत्म होने के बाद, आप आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो और आप समझ सकते हो कि आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है 18th ऑफ दिसंबर का सेशन। अगली ट्रेडिशनल बिजनेस हमने समझ लिया, ट्रेडिशनल बिजनेस भी परफेक्ट प्रोफेशन वाले कैटेगरी के अंदर नहीं लेके आ सकते हम। अगला क्या है, इन्वेस्टर कैटेगरी। इन्वेस्टर कैटेगरी की तो शुरुआत ही होती है इन्वेस्ट करने से, ठीक है? इन्वेस्टर कैटेगरी ज्यादातर लोग जो भारत के अंदर है, जो कामयाब होना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, एक ही चीज में कमी है कि भाई इन्वेस्ट कहां से करें, पैसा कहां से लेके आए, राइट? तो इन्वेस्टर कैटेगरी तो पहले ही बहुत सारे लोगों के लिए खत्म हो जाती है, बट इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर अगर इंसान जाता भी है तो भी देखना पड़ेगा कि इन्वेस्ट किस फील्ड के अंदर करें, किस फील्ड के, स्टॉक मार्केट के अंदर करें, कुछ नहीं पता। आपने अभी देखा होगा स्कैम 1992 रातों रात पलट जाती है, ठीक है? पूरी जो ये हमारी शेयर मार्केट है, आज अगर कोई राजा है तो कल वो रंक हो सकता है। बहुत स्किल्स, बहुत ज्यादा आपको इसके पीछे स्टडी करना है, अगेन आपका बहुत वक्त इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, एंड देयर इज नो सिक्योरिटी, सिंपल वर्ड्स, नो सिक्योरिटी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, रातों रात पूरा पलट सकता है गेम। तो अब फिर हम पूछते हैं यहां पे कि क्या ये परफेक्ट प्रोफेशन वाली कैटेगरी के अंदर एड ऑन कर सकते हैं हम? द आंसर इज नो। तो अभी हमने बात करी मैनुअल वर्कर के बारे में, अभी हमने बात करी मैनेजरियल वर्कर के बारे में, अभी हमने बात करी सेल्स प्रोफेशन वाले लोगों के बारे में, अभी हमने बात करी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर लोग किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं उसके बारे में, और अभी हमने बात करी इन्वेस्टर कैटेगरी के बारे में भी। हर ये तरीके जो मैंने आपको बताया, चाहे ESBI मॉडल के अंदर हम देख ले, चाहे यहां पे हम देख ले, कोई भी तरीका परफेक्ट प्रोफेशन वाले लिस्ट के अंदर ऐड नहीं हो रहा है। तो सवाल यहां पे ये आता है कि क्या परफेक्ट प्रोफेशन सच में पॉसिबल है भी या नहीं है? द आंसर इज येस। परफेक्ट प्रोफेशन वाला जो है ना सिस्टम, वो 100% पॉसिबल है, बट इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें परफेक्ट प्रोफेशन के अंदर क्यों नहीं ऐड हो रही। क्योंकि एक सिंपल सा आंसर है, दिस इज 21st सेंचुरी, और इस 21st सेंचुरी के अंदर हर चीज चेंज हो रही है। जो पहले वाले पुराने मॉडल थे ना, कंपनसेट करने के, लोगों को पैसा कमाने के तरीके जो थे, वो धीरे धीरे अधमरे हो रहे हैं, वो मर रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं मार्केट के अंदर से। मैं आपको तरीका बताऊंगा, मैं आपको बताने वाला हूं अभी कि किस तरीके से पहले होता था और किस तरीके से अब होता है। पहले क्या होता था, आप पढ़ाई करो, ठीक है, आप पढ़ाई करो, आप स्टडी करो पूरी तरीके से, आप ये पढ़ो कि इम्प्लॉय कैसे बनना चाहिए, उसके बाद एक कंपनी को चूज करो और कंपनी ढूंढो जो आपको इम्प्लॉय कर ले। उसके बाद क्या होगा कि आप उस कंपनी के लिए 40 साल काम करें, आप उसके लिए काम करें और उसके बाद आप रिटायर हो जाएं। बट धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने ये देखना शुरू किया कि भाई साहब, जो कंपनीज के लिए हम इतने लॉयल हैं, कंपनीज हमारे लिए तो लॉयल है ही नहीं। हम कंपनी को पूरा अपनी जी जान से मेहनत करके देते हैं, बट कंपनीज तो हमारे लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। तो फिर क्या हुआ, फिर नया सिस्टम आया, आप पढ़ाई करो, आप ये पढ़ाई करो कि भाई कैसे एक बढ़िया एम्प्लॉय बन सकते हो आप। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक कंपनी के ज्वाइन करना है, उसके बाद वहां पे काम सीखना है, 4-5 साल के अंदर कंपनी स्विच करना है, फिर दूसरी कंपनी स्विच करनी है, फिर तीसरी कंपनी स्विच करनी है, और इस तरीके से 40 साल में रियलाइज करना है, 40 साल काम करने के बाद रियलाइज करना है कि आप अभी रिटायर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कुछ नहीं बचाया, मार्केट बढ़ता चला जा रहा है, आपने इतने टाइम काम करके भी कुछ नहीं बचाया, और फिर आप जब तक काम कर सकते हो, जब तक बिल्कुल बूढ़े हो जाते हो, तब तक आप काम करो। ये नया जो मॉडल है ना, ये नया मॉडल इसी तरीके से चल रहा है, और धीरे धीरे एक शिफ्ट और बहुत बड़ा आ चुका है मार्केट के अंदर कि आप काम, पहले क्या हो रहा है, अभी तक क्या हो रहा था कि आप जितना टाइम इन्वॉल्व कर रहे हो उस बेसिस पे आपको पैसे मिल रहे थे, ठीक है? आप 8 घंटे काम कर रहे हो, आपको 8 घंटे के पैसे मिल रहे हैं, आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो, आपको पार्ट टाइम के पैसे मिल रहे हैं, आप फुल टाइम काम कर रहे हो या फिर आप ओवर टाइम काम कर रहे हो तो आपको ओवर टाइम के पैसे मिल रहे हैं। बट आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, या हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है इसकी,
कि आपको ना आपके प्रोडक्टिविटी के ऊपर पैसे दिए जाएंगे। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, आप कितना काम कर रहे हो, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलते हैं, आज के टाइम पे बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ऐसा हो चुका है कि जो वेटर है उसको आर्ली बेसिस पे पैसे नहीं मिल रहे कि कितने घंटे काम कर रहा है, उसको एक मिनिमम वेज दिया जा रहा है और उसके ऊपर बोला जा रहा है कि तुम लोगों को कितना बढ़िया सर्व करते हो, परफॉर्मेंस के ऊपर तुम्हें टिप मिलेंगे और उस पर तुम्हें इंजॉय करना है। मतलब मान के चलते हैं कि अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है ये मैं आपको बता रहा हूं, कि अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है अभी, तो पहले तो आपकी सालाना इनकम को वो 4 लाख करने वाले हैं। 4 लाख इसलिए करने वाले हैं क्योंकि इस इनकम पे भी बहुत लोग ऐसे हैं और बहुत सारे टैलेंटेड लोग ऐसे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे देश में पॉपुलेशन की कमी नहीं है, लोग ही बहुत ज्यादा हैं और स्किल्ड लोग हैं, ठीक है, एजुकेटेड पूरी तरीके से हैं, बट उनको काम नहीं मिल रहा। तो पहले तो आपकी सैलरी को कम करेंगे, 4 लाख रुपए की सालाना इनकम हो जाएगी, और 4 लाख रुपए की सालाना इनकम होने के बाद वो एक और चीज करते हैं कि बेस सैलरी को कर देंगे वो 1.5 से 2 लाख, या फिर 1.5 से 2 लाख भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 1 से 1.5 लाख, और उसके बाद बाकी का जो बचा हुआ 2.5 लाख है वो आपको बोलेंगे कि इंसेंटिव करो, इंसेंटिव करो मतलब इतना काम करके दो, और इस काम पे अगर आपने किया, मतलब इतने का काम करके दिया आपने हमें, तो आपको बाकी के 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब बात यह है कि अगर आपने टारगेट को पूरा नहीं किया, गेस करना, सच में देखना कितना तगड़ा सिस्टम है, अगर आपने टारगेट को पूरा नहीं किया तो कंपनी ने अपने पैसे बचा लिए, और अगर गलती से आपने टारगेट को पूरा कर दिया तो वो आपके टारगेट को बढ़ा देंगे, आपको जो टारगेट दिया गया था ना उस टारगेट को वो बढ़ा देंगे अपने आप ही। तो देख रहे हो कितना तगड़ा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस बेस पे जितने भी वेटर हैं या जितने भी आप मानो रूम सर्विस है, होटल्स के अंदर जो रूम सर्विस है, रूम सर्विस के अंदर क्या होने वाला है कि लोगों को इस पे काम, मतलब पैसे नहीं मिलेंगे कि कितने घंटे उसने काम किया, कितने घंटे उसने सफाई करी, इस पे पैसे मिलेंगे कि कितने रूम की सफाई करी उसने, समझ रहे हो, परफॉर्मेंस बेस है। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग यहां पे किस तरीके से इन्वॉल्व होता है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे हमारे परफेक्ट करियर के लिस्ट में आ सकता है, इसको समझते हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली मेरी समझ के अंदर सबसे बढ़िया, ये सिर्फ आपको सर्वाइव करने का मौका नहीं देगा, नेटवर्क मार्केटिंग जो है 21st सेंचुरी के अंदर सिर्फ सर्वाइव करने का मौका नहीं देने वाला है, बल्कि आप इसके अंदर ना बहुत बड़ा खेल सकते हो, बहुत ही ज्यादा बड़ा खेल सकते हो। जस्ट बिकॉज आप समझिए, बहुत सारी ऐसी ऐसी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे बेहतरीन सर्विसेज हैं जो मार्केट में कंज्यूमर के पास पहुंचना जरूरी है। कंज्यूमर के पास अगर वो पहुंचता है तो कंज्यूमर का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और कंपनीज का भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अब कंपनीज के पास ऑप्शंस हैं, या तो वो एडवर्टीजमेंट वाली कैटेगरी के अंदर जाए, ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस को करे, ठीक है, लोगों पे पैसा खर्चे, एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्चे, स्टार्स को पैसे दे और फिर अपने कंज्यूमर तक पहुंचे, और दूसरा तरीका ये है लोगों के पास, मतलब कंपनीज के पास, कि वो एक कॉमन मैन को पैसे दें, और ज्यादा से ज्यादा कंपनीज धीरे धीरे करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग को ही चूज कर रही है, प्योरली परफॉर्मेंस बेसिस पे पैसे देगी। बात समझ रहे हो, क्योंकि ये सिंपल सिंपल फिट कर रहा है, जो नई इकोनॉमी है ना 21st सेंचुरी वाली, परफॉर्मेंस बेस पे काम होने वाला है, परफॉर्मेंस बेस जो है उसके ऊपर काम मिलेगा, उसके ऊपर पैसा मिलेगा, इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, कि जिसने जितना काम किया उसको उतना, प्योर बिजनेस परफॉर्मेंस बेस्ड बिजनेस, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ यहां पे, मतलब कंपनी के पास तो ऑप्शन है, कंपनी चाहे करोड़ों रुपए खर्च दे अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर, बट कंपनीज ने ये देख लिया ना कि एडवर्टीजमेंट के ऊपर करोड़ों रुपए खर्चने के बाद भी कंपनीज बंद हो रही है, तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में आप खुद देख लोगे कि वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो अभी नेटवर्क मार्केटिंग ही छोड़ो, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चलती है, बहुत सारी कंपनीज बड़ी बड़ी आती हैं, इन्फ्लुएंसर को पकड़ती हैं, उनको पैसा देती हैं और उनसे वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन करवाती हैं, बट वो भी झूठ है, वो भी झूठ है, क्योंकि वो लोग यूज तो नहीं करते। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिंपल सा केस है, अगर आप किसी चीज को यूज कर रहे हैं, अगर आपको बेनिफिट लगता है, अगर आपको फायदा लगता है, आप वर्ड ऑफ माउथ का प्रमोशन कर सकते हो। अब अगेन इसी पॉडकास्ट सीरीज के अंदर हम सीखने वाले हैं कि स्किल्स क्या है, लोगों को प्रमोट करने का स्किल क्या है, किस तरीके से प्रमोट करें, क्या हम च्यूइंग गम बन जाए, क्या हम लोगों को चिपक जाए प्रोडक्ट को लेके कि भाई बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है मेरा, बहुत बढ़िया कंपनी है मेरी, वहां पे तो हम चिपक गए ना, और वहां पे हमारा केस खराब हो जाता है, लोग हमसे भागने लग जाते हैं, राइट। तो हमें स्किल्स सीखने को मिलने वाले हैं इस पॉडकास्ट सीरीज के अंदर, बट अगेन बात को समझना जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपके परफेक्ट प्रोफेशन के अंदर आप ऐड कर सकते हो। जो परफेक्ट प्रोफेशन हमने वीडियो और पॉडकास्ट की शुरुआत में डिस्कस किया था, उसके अंदर हम 100% ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे फायदे हैं जो एक नेटवर्क मार्केटिंग जो परफेक्ट प्रोफेशन के अंदर होने चाहिए, राइट। तो अब आपको सारी अच्छी बातें मैंने बताई, बट एक ना आपको मैं ये बताना चाहता हूं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सारे फायदे हैं, ठीक है, लेकिन एक नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, और अगर उस नुकसान को आप झेल गए तो आप बहुत पैसा कमा लोगे, अगर उस नुकसान को आप नहीं झेल पाए तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नुकसान जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर है वो ये है कि आपको थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेली थोड़े टाइम के लिए, सोशल एस्टीम जो आपका है ना, ये सोशल जो आपकी इज्जत है,
उसको आपको इग्नोरेंट लोग जितने भी होते हैं, जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो किसी की बात ही नहीं सुननी, जिसको ओल्ड सिस्टम के ऊपर ही भरोसा है, जिसको नया आता हुआ फ्यूचर दिख ही नहीं रहा कि आने वाले टाइम में होने क्या वाला है, जो खुद परेशान है बिल्कुल अपनी जिंदगी से, उन लोगों से आपको अपने सोशल एस्टीम या आपको थोड़ी बहुत बेइज्जती को झेलना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी वहां पे। लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लोग आपको धकेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों को बिलीव ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, लोगों को फ्यूचर नहीं दिख रहा है, आपको अगर दिख रहा है तो आपको लोगों से मतलब अपनी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। और बेइज्जती सिर्फ झेलनी नहीं है, आपको एम्ब्रेस करना है उस बेइज्जती को। ठीक है, एम्ब्रेस करना है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका विजन क्लियर, अगर आप देख रहे हो कि आने वाले टाइम में होने क्या वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो वैसे भी सारे मैनुअल वर्कर, सारे मैनेजेरियल वर्कर की नौकरियां जाने वाली हैं। आप देख रहे हो, पहले हम कॉल करते थे कंपनीज को, लोग बात करते थे, आज के टाइम पे मशीन्स बात करती हैं। मेट्रो के अंदर आप देखो, पहले कैशियर होता था, फिर वेंडिंग मशीन्स आ गई हैं, राइट? तो लोगों की जॉब खत्म होती चली जा रही है, ऑलरेडी खत्म होती चली जा रही है। आने वाले टाइम में एक ही स्किल बचने वाला है, दैट इज पीपल स्किल्स, क्योंकि पैसा आता है लोगों की जेब से। सिंपल है, लोगों की जेब से पैसा आएगा, निकालने वाला कौन? जिसके अंदर पीपल स्किल्स हैं। और पीपल स्किल्स कहां पे डेवलप होती है? नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा मुझे नहीं लगता किसी भी जगह पे डेवलप होती होंगी, राइट? तो ये अगर आपको दिख रहा है तो आपको थोड़े टाइम के लिए लोगों को हैंडल करना पड़ेगा, लोगों की बेइज्जती को हैंडल करना पड़ेगा। और अगर ये हैंडल करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है तो मेरे भाई ध्यान रखना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर आप इसको हैंडल कर सकते हो तो ये पूरी दुनिया आपकी है। पूरी दुनिया में जितनी चीजें हैं, जितने सक्सेस की आप स्टोरीज देखते हो, वो आप अचीव कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि नेटवर्क मार्केटिंग ही आपका डेस्टिनेशन होगा, आप जर्नी की शुरुआत कर रहे हो सकता है। जैसे मैंने शुरुआत करी थी, मेरे लिए मेरे को सिर्फ 50,000 रुपए महीने की इनकम चाहिए थी, बट जर्नी इतनी खूबसूरत है ना, सच बता रहा हूं, इतनी बेहतरीन जर्नी है कि आप इतनी सारी चीजें इस रास्ते में सीखते चले जाओगे कि आपका आपकी शुरुआत होगी कुछ और सोच के, बट आपका डेस्टिनेशन हो सकता है कुछ और हो। ठीक है, आप 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख कब आप सोचने लग जाओगे, कब का आपके सोच का दायरा बढ़ जाएगा, आपको खुद समझ नहीं आएगा, राइट? तो नेटवर्क मार्केटिंग का लॉन्च पैड आप यूज कर सकते हो, आप सीख सकते हो बहुत सारी चीजें, बिकॉज हमारे पास वैसे भी बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं है। बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, हो सकता है आपका बैकग्राउंड हो, पर मेरे पास नहीं था। तो अगर हम बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस कोई क्रिएट करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि रॉकेट की तरह उठे, ठीक है, हम 100 करोड़ का कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा करें, तो उसके लिए हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इनिशियल लर्निंग्स चाहिए। उसके लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ लॉन्च पैड यूज कर सकते हैं, और ये दुनिया पूरी की पूरी आपकी है, राइट? तो अगली वीडियो के अंदर, ये पॉडकास्ट यहीं पे, आपको मैंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से एक परफेक्ट कैरियर के अंदर या परफेक्ट प्रोफेशन के अंदर आ सकता है। अगली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व होना चाहते हो तो आपको ना पहले दिन से ये दिमाग में लेके चलना है कि आप यहां पे बहुत तगड़ा क्रिएट करना है। आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन या प्रोफेशनल खतरनाक, मतलब पहले दिन से ये अप्रोच नहीं होना चाहिए कि आप ट्राई करने के लिए आए हो, लेट्स गिव इट अ ट्राई, लेट्स गिव इट अ शॉट, वो करने के लिए हम नहीं आए, हम आए हैं तो झंडा गाड़ने के लिए आए। ट्राई तो कुछ होता ही नहीं। मैं क्या ट्राई कर सकता हूँ? आप मुझे बताओ, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ कि मैं पॉडकास्ट बना लूँ? कैन आई ट्राई टू मेक अ पॉडकास्ट? आई कैनॉट ट्राई टू मेक अ पॉडकास्ट, इधर आई क्रिएट अ पॉडकास्ट और आई वोंट, एज सिंपल इज दैट। मैं ट्राई नहीं कर सकता कि मैं खाना खा लूँ, मैं या तो खाना खाऊंगा या खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है? कैसे ट्राई कर सकते? क्या आप ट्राई कर सकते हो कि आप सुनो मेरे पॉडकास्ट को? ट्राई नहीं कर सकते ना आप, या तो सुनोगे या नहीं सुनोगे। सिमिलरली सक्सेसफुल बनने का ट्राई नहीं करना। ट्राई अगर करते हैं ना तो पहले दिन से नेगेटिव अप्रोच है हमारा। नेगेटिवली हम सोच रहे हैं कि मैंने अपने लिए पहले ही दरवाजा खोल के खड़ा कर दिया कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं ट्राई कर रहा हूं, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले दिन से ये सोचा हुआ था कि मैं तो ट्राई कर रहा हूं। तो हमें ट्राई बिल्कुल भी नहीं करना है इस बिजनेस के अंदर, झंडा गाड़ना है। और वो गाड़ना कैसे, आपकी सोच, आपके माइंडसेट को हम कैसे क्लियर करेंगे, वो अगले एपिसोड में बात करेंगे। कल मिलता हूं आपसे दिन में 11 बजे। और याद रखना, अगर ये पॉडकास्ट इतना खतरनाक क्रिएट करने वाले ना, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है, अपनी पूरी टीम के साथ आपको शेयर करना है, लाइक जरूर करना है, कमेंट करके मुझे बताना है, कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। top 3 comments या top 3 objections को हर पॉडकास्ट के अंदर मैं उठाऊंगा और अगले पॉडकास्ट में उसका जवाब भी दूंगा मैं आपको। सो मिलते हैं रेगुलरली। सो आई विल सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग 11 AM। टेक केयर गाइस, बाय बाय गाइस, बाय बाय।